सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश बेबी फ्रॉक लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज को लाइक करें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए अब हम देखते हैं कि जो आज की हमारी फ्रॉक है वो किस तरह से बनाई जाएगी और इसके लिए कौन सा मटेरियल और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो रिक्वायर होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने रेड और जो ऑफ व्हाइट का है कॉम्बिनेशन किया है आज की फ्रॉक के लिए। ये जो हमारे पास रेड कपड़ा आप देख रहे हैं ये यॉक के लिए है, जो ऊपर की पेटी डलेगी, ये नीचे की आपकी जो फ्रॉक के नीचे बनती है ये वो बनेगी। आप इसको स्कर्ट कह सकते हैं या नीचे की झालर कह सकते हैं जो इसके साथ अटैच होगी। और ये जो आप रेड बाजू देख रहे हैं और ये जो रेड कपड़ा है मैंने इसको तह लगा कर रखा हुआ है, ये हमारे बाजू हैं। चलिए अब देखते हैं कि कटिंग हमने किस तरह करनी है और कौन सा जो है वो हम स्टाइल बना रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम स्टार्ट करते हैं बाजुओं के साथ। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसी फैब्रिक में से मेरे पास बचा हुआ रेड कपड़ा था जो मैंने बाजुओं के निकाल लिए। आज का जो हम फ्रॉक बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल की बच्ची को ये फ्रॉक आएगा, ठीक है। बाकी कोई बच्चे हेल्दी होते हैं कोई वीक होते हैं वो आपने अपने हिसाब से देख लेना। ये बाजुओं की मैं आपको जो लेंथ है वो बता देती हूँ, मेरे पास 7 इंच इसकी जो है वो लेंथ है और 4.5 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है। जैसा कि मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ इस तरह से ये 14 हो जाएगा। फोल्ड करेंगे तो 7, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, जिस तरह बड़े बच्चे की बंदे की कटिंग होती है गले की बाजुओं की, हल्की सी जस्ट हमने इसको शेप दे देनी है। ये देखें जी, अब हमारे जो बाजू हैं वो कट चुके हैं। खोलकर आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से हमारे जो बाजू हैं वो आएंगे। यहां से ये कंबाइन है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास 2 जो हैं वो बाजू होंगे। अब बाजुओं की वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई है, हम इसको करते हैं साइड पे। चलिए अब हम नीचे वाली जो घगरी है जो नीचे वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डबल तय कपड़ा है। मैंने इसको क्या किया, इसकी 19 इंच जो है वो मैंने लेंथ ले ली है और यहां से उसकी जो विड्थ है वो मैंने 11 इंच ले ली है। फिर इसको यहां से थोड़ा कम किया, 10.5 किया, फिर यहां से 10 किया, फिर यहां से 9.5, फिर 9, इस तरह 8.5, आहिस्ता आहिस्ता था यहां तक मैंने एक इसको जो है वो कर्व शेप दे दी। अम्ब्रेला सी मैंने इसको कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, ये कुछ इस तरह से जो है हमारे पास इसका पर मौजूद है। अगर हम आपको स्क्रीन पर पूरा दिखा पाए, ये इस तरफ से भी आप देख लें और आप इस तरफ से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, ये इस तरह से होगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहां से 10 इंच और इधर से जो दूसरी साइड है इधर से भी 10 इंच जो है वो हमने ले लेना और एक निशान लगा लेना। निशान लगाने के बाद आपने इस 10 इंच को इस तरह से जो है वो फोल्ड करना है और इधर से 10 इंच को जो है वो हमने निशान जहां पे लगाया है उसको फोल्ड करना है। इस तरह से ये आपका जो नीचे वाला पोर्शन है घगरी है वो बन जाएगी। और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, हमने इस्त्री की मदद से इसकी तय सेट करनी है।
ये हम अब इसको खोल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि जो इसका ये कॉर्नर है वो इसके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ये जो हमारा क्रॉस जाकर मिलता है, इस बात की आपने निशानी लगनी है कि ये दोनों जो हैं आपस में यहां से जो है वो मैच हो जाएं, और इस तरह से जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी नीचे वाली घघरी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहां लगाते हैं एक, इसको हमने कुछ यूं बनाना है। यहां लगाते हैं हम ऐसे फोल्ड करके, और फिर एक ऐसे, ठीक है। यहां एक ब्रोच सेट होगा या कोई बटन जो है वो हम लगाएंगे। इसको अभी हम हाथ की मदद से यहां जो है सेट कर लेते हैं। ये इस तरह हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं, और अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने योक बनानी है। योक बनाने के लिए ये मेरे पास कपड़ा है टोटल, इसकी मैं आपको जो लंबाई है वो हमारे पास 14 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमारे पास 18 इंच है। अब हमने करना क्या है, ये डबल तह में हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास डबल तह में मौजूद था। हमने इसको क्या किया, ये इसका सेंटर है, इसको पकड़कर हम यूं तह लगाएंगे। यहां पे ये 18 है, तो 9 जो है वो हमारा एक साइड पे आना चाहिए। ये देख ले 9 आ गया, और 9 जो है वो हमारे पास दूसरी साइड पे आना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझाते हुए मैं आपको बता दूं, हल्का सा इसको हम इनसाइड ले जाएंगे और इसको ऊपर ले आएंगे। इस तरह से तकरीबन 1 इंच का जो है वो हमने ये फैब्रिक को ऊपर किया है, और इसको हम यहां से करेंगे फोल्ड पट्टी लगाकर। ये देखें, यहां से ये हो जाएगी फोल्ड, और ये हमारी बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक बॉर्डर वाली पट्टी फ्रंट साइड पर आ जाएगी। ये इस तरह से आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, यहां से इसके कंधों की कटिंग और इधर से इसके कंधों की कटिंग, कटिंग मैं आपको दिखाती हूं, लेकिन उससे पहले हम इसके साथ आपको रखकर बताएंगे कि ये किस तरह लग रहा है। ये देखें, ये इस तरह से आपके पास एक जो फ्रॉक है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें, यहां से इसका गला बनेगा, यहां से बाजू कटिंग होगी दोनों तरफ से। ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे आ जाएगा, और यहां पर ये फ्रंट साइड हमारी पट्टी आ जाएगी। चलिए अब हम योक की जो है वो कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद इसको तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हमने नीचे वाली जो घघरी है, स्कर्ट है, इसको हमने ये सारी यहां से लेकर पूरे राउंड तक ऊपर तक दोनों तरफ से जो है वो रेड कलर की पैटर्न लगाएंगे। चलिए अब जल्दी से हम योक की कटिंग करते हैं और फिर इसको स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। अब हम योक की कटिंग करने लगे हैं, ये आपके सामने। मैं इसको आपको उल्टी साइड से भी रखकर दिखा सकती थी, लेकिन चूंकि आपको मुश्किल आती इसलिए मैंने इसको सीधी साइड रखी है, इस तरह से। आप जो गले की कटिंग है वो मैं इस साइड से करूंगी, और ये वाला जो बॉर्डर है वो मैं नीचे हमारी स्कर्ट के साथ अटैच करूंगी। आप ऐसे ऊपर नीचे जहां से करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज को यहां पर जो है वो अटैच करूंगी। इक्वल रखने के बाद मैं इसको इस तरह रख लूंगी। 14 लेंथ है इसकी, और 8.5 जो है, 9 जो है वो आपका ये शोल्डर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक बच्चे को बना रहे हैं 4 से 5 साल के लिए, तो हम इसका 6 इंच जो है, 6.5 इंच जो है मैं इसका शोल्डर लूंगी, और हल्की सी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जितना आपने यहां से लिया है उतना ही आप इसको यहां से लें, और इसको एक बॉक्स बना लें यहां से।
ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से स्लाइटली स्टेट लाकर ये हमने इस तरह कर ली। ये बच्चों का हमेशा बराबर शोल्डर कट होते हैं क्योंकि दे आर वेरी स्मार्ट और इनकी कोई फ्रंट साइड नहीं होती। तो अब हम जो है इसकी कटिंग करने लगे। ये देखें जी कटिंग हो गई। अब इसके बाद हमने इसको कैसे लगाना है, हल्का सा यहाँ से हम इसको फिटिंग में ले जाएंगे, हल्का सा स्लाइटली सा। इस तरह से जो है वो आपकी योक रेडी हो जाएगी। अब हम इसको खोलते हैं और खोल कर देखते हैं वापस उसी पोजीशन में और आराम से आप इसको खोलें। ये पट्टी जो है वो आपकी सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। ये जी हमारी योक जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से ये कट्ठा है ये वाला पोर्शन, और सेम इसी तरीके से हमारा जो है दूसरा पोर्शन भी इकट्ठा है। वापस से इसको आप लेकर आए, ये वेस्टकोट की तरह हमारे पास ये हो जाएगी। चलिए ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ये देखें हर चीज जो है हमारा बॉर्डर इक्वली आएगा। अब हमने क्या करना है, इंटरनली हल्की हल्की इसको फिटिंग दें अगर आपको जरूरत, अगर नहीं जरूरत है तो एज इट इज लग जाएगा। आप यहां से इसको अटैच करेंगे, ये अपनी पट्टी को यहाँ पर रखकर हम पूरी सिलाई लगा देंगे। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडी करते हैं और इसके साथ साथ जो है हमारी स्कर्ट जो घघरी है इसको रेडी करेंगे। चलिए अब सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सुई को निकाल देंगे, निकाल कर यहां से लेकर ये सारी मगजी पाइपिंग और यहां तक ही हमारी पाइपिंग आ जाएगी। चलिए सिलाई करते हैं।